आगरा, थाना बरहम क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत यूसुफपुर के मजरा गद्दा गड्ढी के प्राथमिक विद्यालय का किया उप जिलाधिकारी महोदय ज्योति राय ने औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अनेक खामियां पाई गई, जैसे शौचालय पूर्ण रूप से ध्वस्त पाए गए, मिड डे मील में भी गड़बड़ी मिली, विद्यालय की बाउंड्री भी पूरी तरह से नहीं पाई गई और अन्य खामियों के पाए जाने पर उप जिलाधिकारी महोदय ने अध्यापकों को कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश और प्रधान अध्यापक से 15 दिन के अंदर कार्य को पूर्ण रूप से करने का समय दिया और कहा अगर 15 दिन में कार्य पूरा नहीं हुआ तो मैं खुद 15 दिन बाद पुनः निरीक्षण करूंगी, अगर फिर भी खामियां पाई जाती हैं तो आप लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिससे प्रधानाध्यापक ने पूर्ण आश्वासन दिया कि 15 दिन में पूर्ण रूप से कार्य हो जाएगा और समय से न पहुंचने के लिए काफी कड़ा रुख अपनाते हुए डांट फटकार लगाई, जिससे आगे पूर्ण रूप से समय से अध्यापक आएंगे और बच्चों की पढ़ाई में के मामले में जानकारी लेने पर बच्चों से कुछ नहीं लिखा गया और न पढ़ा गया। समर इंडिया समाचार पत्र के संवाददाता धर्मपाल सिंह ने विद्यालय की खामियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिससे नाराज होकर विद्यालय के अध्यापकों ने संवाददाता के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया था। इस डीएम महोदय ने संज्ञान में लेकर औचक निरीक्षण किया और प्रधानाध्यापक को काफी बुरी तरीके से डेटा लगाई। समर इंडिया के लिए आगरा से धर्मपाल सिंह बघेल की रिपोर्ट। आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।